आर्थर रोड जेल से आज होगी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई। सुबह 5:30 बजे खोली गई जमानत पेटी। आर्थर रोड जेल में चल रही है आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया। सुबह 9 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं आर्यन। आर्यन के साथ जेल से रिहा होंगे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा। हाईकोर्ट से मिल चुकी है जमानत। शाहरुख के घर पर आर्यन के स्वागत की तैयारियां। रंग बिरंगी रोशनी से की जा रही है मन्नत की सजावट। आर्यन की एक झलक पाने के लिए शाहरुख के घर के बाहर जमा है फैंस का बड़ा हुजूम। चाक चौबंद की गई मन्नत की सुरक्षा। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा दिन। नाजी 20 समिट में गूंजेगा अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर नमो मंत्र। G20 समिट से पहले दोपहर 12 बजे वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री। शाम को फ्रांस, इंडोनेशिया और सिंगापुर के पीएम से होगी मुलाकात। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने गर्मजोशी से किया पीएम मोदी का स्वागत। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी ने रोम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा दुनिया भर में अहिंसा का प्रतीक है बापू। रोम में भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। मोदी मोदी के नारों से हुआ जोरदार स्वागत। आज 14 राज्यों में उपचुनाव। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा उपचुनाव के लिए दादरा नगर हवेली, मंडी और खंडवा सीट पर आज पड़ेंगे वोट। बिहार के कुशेश्वर और तारापुर विधानसभा सीट पर भी होगा मतदान। असम में 5 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव। मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय में 3-3 सीटों पर उपचुनाव। कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 सीटों पर वोटिंग। आंध्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर उपचुनाव। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। समीर वानखेड़े की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को भेजा नोटिस। जाति पर सवाल से प्रताड़ना का आरोप। 25 करोड़ के रिश्वत के आरोपों में जारी है एनसीबी के विजिलेंस टीम की जांच, लेकिन सामने नहीं आ रहा प्रभाकर सैल। जो कंप्लेनेंट हैं हमारे प्रभाकर सैल जी, उनका इंतजार है। एक बारी उनके शामिल होने के बाद शायद इस इंक्वायरी को सही दिशा मिलेगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने हैनिक बाफना ने दर्ज कराया अपना बयान। कहा, मैं नहीं हूं सैम डिसूजा, प्रभाकर सैल ने झूठ बोला। समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी है नवाब मलिक का हमला। महाराष्ट्र के मंत्री ने क्रूज पर मौजूद दाढ़ी वाले शख्स काशिफ खान का क्या खुलासा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर उठाए सवाल। बोले, फैशन शोज के बहाने ड्रग सप्लाई और पोर्नोग्राफी है धंधा, फिर क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। में फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने बताया बेबुनियाद। कहा, झूठ है सारी बात। बिल्कुल बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। काशिफ खान ने भी नवाब मलिक के आरोपों से किया इनकार। आज तक के साथ बातचीत में दी सफाई। कश्मीर पर कार्यक्रम को लेकर फिर विवादों में घिरा जेएनयू। वेबिनार में लिखा, भारत का कश्मीर पर कब्जा, एबीवीपी के विरोध के बाद कार्यक्रम रद्द। अमित शाह ने 2022 के लिए यूपी के जंग में फूंकी जान। लखनऊ में सदस्यता अभियान की शुरुआत। अमित शाह ने लखनऊ में कैराना की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर किया वार। बोले, अब नहीं होता हिंदुओं का पलायन। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर भी अखिलेश यादव पर किया वार। बोले, 5,000 चंदा भी नहीं दे पाए कार सेवकों पर गोली चलाने वाले। अमित शाह ने कांग्रेस और बीएसपी पर साधा निशाना। बोले, 5 साल करते हैं आराम और चुनाव आते ही नए कपड़े सिलवा कर आ जाते हैं सामने। घर पकड़ कर बैठ गए थे,
वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। जो अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी की जमकर की तारीफ, कहा यूपी में अब ढूंढे नहीं मिल रहा बाहुबली। अमित शाह ने यूपी में किया बीजेपी की जीत का दावा, बोले अब की बार फिर से 300 से ज्यादा सीट जीतेगी पार्टी। लखनऊ में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने में पीएम मोदी का योगदान अमूल्य। यूपी के दौरे पर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, ट्रेन से लखनऊ से ललितपुर का किया सफर। ललितपुर में मृतक किसान के परिजनों से प्रियंका ने की मुलाकात, डीएपी खाद के चक्कर में गई थी जान। किसानों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा, खाद की कमी को लेकर साधा निशाना। सड़क पे है लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है, कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। ललितपुर से दतिया पहुंची प्रियंका गांधी, पीताम्बरा शक्तिपीठ में की पूजा। गोवा में जारी ममता बनर्जी का चुनावी मिशन, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। गोवा में मछुआरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के सीएम को देखकर समर्थकों ने लगाए खेला होबे किनारे। टेंस के बाद अब सियासी मैच खेलेंगे लियांडर पेस, गोवा में ममता की मौजूदगी में टीएमसी में हुए शामिल। गांव में हर तरह के सियासी दाव पेच आजमा रही है ममता बनर्जी, तीन तीन मंदिरों में की पूजा। टीके बॉर्डर के बाद गाजीपुर सीमा से भी हटाए गए बैरिकेड, दिल्ली की साइड वाला हिस्सा पूरी तरह खाली। गाजीबाद वाले हिस्से में अब भी डटे हैं किसान, कहा कृषि कानून के खिलाफ जारी रहेगा धरना और आंदोलन। उधम सिंह नगर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसानों ने किया कूच, बैरिकेड हटने के बाद हलचल शुरू। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ 81 गांव के किसानों ने किया प्रदर्शन, सीईओ का पुतला फूका, 2 महीने से किसान दे रहे हैं धरना। इटावा में खाद के लिए इफको किसान केंद्र पर कांग्रेस के प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने 3 कर्मचारियों को बनाया बंधक। छठ पूजा को लेकर डीडीएमए की गाइडलाइंस जारी, यमुना घाटों पर नहीं होगी छठ पूजा, कृत्रिम घाट बनाकर अर्घ देने की हिदायत। आम आदमी पार्टी ने छठ पूजा को लेकर डीडीएमए के आदेश पर जताया ऐतराज, एलजी से यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने की अपील। छठ पूजा के बहाने मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा हिंदू विरोधी है दिल्ली सरकार। यूपी के देवरिया में एक मजदूर को बिजली विभाग ने थमाया 19 करोड़ से ज्यादा का बिल, दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर, शिकायत नहीं सुन रहे अधिकारी। पीवीसीएल की मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले विजय पुलिस हिरासत में, पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनरल स्टोर पर छापा, लाखों के अवैध पटाखे जब्त। दिवाली में सीएम प्लाइंग दस्ते ने एक बंद मकान पर मारा छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद। दिवाली से पहले मिलावट करने वालों पर शिकंजा, गया में मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मारा छापा। मुक्सर में 4 साल पुराने मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों पर केस दर्ज, क्लिनिक में जबरन घुसकर अल्ट्रासाउंड मशीन, कैश और गहने ले जाने का आरोप। राजस्थान के बांसवाड़ा में इलाज के दौरान युवक की मौत, 2 दिन पहले 2 समुदाय के बीच झगड़े में चाकू लगने से हुआ था घायल, इलाके में तनाव। भिवाड़ी में घर में घुसकर एक ही परिवार के 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, एक की मौत, 4 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के भिंड में 91 किलो गांजे की खेप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। भिवाड़ी में स्पा सेंटर्स की आड़ में देव व्यापार का भंडाफोड़, 16 युवतियों सहित 26 लोग गिरफ्तार। सोनीपत में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, बेटी के चरित्र पर शक हुआ तो मां बाप ने ले ली जान, दोनों गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली में एसबीआई एटीएम पर पड़ी लूट, गैस कटर से काटकर सारा कैश ले गए बदमाश। कानपुर के पति ने पत्नी को तलाक देकर प्रेमी से कराई शादी, अपने सामने करवाए 7 फेरे।
करौली में पत्नी ने बेटे और देवर के साथ मिलकर ली पति की जान, सबूत छिपाने के लिए पलंग के साथ खेतों में चला है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हल्ला बोल। डीजे उत्तमानंद मौत के मामले में सीबीआई जांच में से संतुष्ट नहीं है झारखंड हाईकोर्ट, कहा हर बार मिलता है एक ही जवाब। प्रयागराज में लोगों के बीच घुसी बेकाबू रफ्तार कार, 3 की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।